Assalamu alaikum students. It is the lecture number 6 of chapter number 4, active voice and passive voice. In this lecture we will solve exercise 4.1. So come to the page number 57, change into passive voice, exercise number 4.1. हमें इस एक्सरसाइजेस में दिए गए सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 4.1. स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी दीज सेंटेंसेस आर ऑफ प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस. हाउ डू आई नो दैट दीज सेंटेंसेस आर ऑफ प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस? बिकॉज आफ्टर दिस सब्जेक्ट दे हैव यूज्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सो हम अपनी आसानी के लिए प्रेजेंट इनडेफिनेट का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में भी राइट कर लेंगे और पैसिव वॉइस में भी राइट करेंगे कि हमने किस तरह से इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. यू कैन सी हेयर ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा, सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा, वर्ब अपनी प्लेस पर ही रहता है लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी. वर्ब से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब पुट करना है और प्रेजेंट इंडेफिनेट के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज, एम एंड आर. और लास्ट में जिस सब्जेक्ट को हम लेकर गए हैं, जो हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, उससे पहले हमने बाय पुट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सेंटेंस नंबर 1, ही लव्स हिज सन. ही इज द सब्जेक्ट, लव्स इज द वर्ब एंड हिज सन इज द ऑब्जेक्ट. सो हिज सन स्टार्टिंग में आ जाएगा और ही लास्ट में चला जाएगा, हिम में कन्वर्ट हो जाएगा. हिम से पहले हमने बाय पुट करना है. लव की थर्ड फॉर्म आ जाएगी लव्ड और थर्ड फॉर्म से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब पुट करना है इज, एम और आर. हिज सन सिंगुलर है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे इज. सेंटेंस बन जाएगा हिज सन इज लव्ड बाय हिम. एंड मस्ट रिमेंबर, हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के एंड में फुल स्टॉप पुट करते हैं एंड एट द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी पुट क्वेश्चन मार्क. सेंटेंस नंबर 2, इट वीकन्स द बॉडी. इट सब्जेक्ट, वीकन्स वर्ब, द बॉडी ऑब्जेक्ट. द बॉडी स्टार्टिंग में आ जाएगा, द बॉडी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा इज. इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करनी है, वीकन्ड बाय इट. नेक्स्ट, दे रिमूव द कॉज ऑफ द डिजीज. अब द कॉज ऑफ द डिजीज पूरा ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में आ जाएगा द कॉज ऑफ द डिजीज. बट ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इस पुट करेंगे. रिमूव की थर्ड फॉर्म रिमूव्ड हो जाएगी, बाय दे लास्ट में जाके दैम में कन्वर्ट हो जाएगा. द कॉज ऑफ द डिजीज इज रिमूव्ड बाय दैम. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4, दे डू नॉट राइट अ लेटर. स्टूडेंट्स, अगर आपके डॉकेट में डू नॉट में टी नहीं है तो आप उसे ऐड कर लें, डू नॉट. अब हमने इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. आ लेटर स्टार्टिंग में आ जाएगा, आ लेटर सिंगुलर है, इस हेल्पिंग वर्ब होगा और ये नेगेटिव में था सेंटेंस इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट पुट करना है. अ लेटर इज नॉट राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय देम. नेक्स्ट, डू यू लाइक एप्पल. ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव में. हम इसे क्या करेंगे, पहले हम सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को राइट कर लेते हैं. ऑब्जेक्ट है एप्पल, स्टार्टिंग में राइट कर लेंगे. यू सब्जेक्ट है, लास्ट में चला जाएगा. यू से पहले बाय लगाएंगे. वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी लाइक्ड. अब हमने हेल्पिंग वर्ब पुट करना है. इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है. एप्पल सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, इज एप्पल लाइक्ड बाय यू. नेक्स्ट, डज ही ईट मैंगोज. मैंगोज ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की प्लेस पर आ जाएगा. ही हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर चला जाएगा, हिम में कन्वर्ट हो जाएगा. हिम से पहले बाय ऐड करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगी. अब हेल्पिंग वर्ब पुट करना है जो कि सब्जेक्ट से पहले आएगा, बट मैंगोज प्लूरल हैं तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर. आर मैंगोज ईटन बाय हिम क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट, हु बॉयल्स एग्स. हु बाय हुम में कन्वर्ट हो जाएगा. बॉयल्स वर्ब है और एग्स ऑब्जेक्ट है. सो स्टार्टिंग में आ जाएगा और वर्ब एग्स के बाद चला जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी बॉइल्ड. और एग्स से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब पुट करना है जो कि आएगा आर, बिकॉज एग्स प्लूरल हैं. बाय होम आर एग्स बॉइल्ड. लास्ट सेंटेंस, वाई डू यू लाफ एट हिम. वाई डब्ल्यू एच वर्ड है, एज इट इज़ नीचे पुट कर देंगे. हिम ऑब्जेक्ट था, स्टार्टिंग में आके सब्जेक्ट की प्लेस पर आ जाएगा, ही में कन्वर्ट हो जाएगा. यू हमारा सब्जेक्ट है, लास्ट में चला जाएगा. यू से पहले बाय लगाएंगे और हमारा वर्ब था लाफ एट, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा लाफ्ड एट. और हमने हेल्पिंग वर्ब पुट करना है सब्जेक्ट से पहले, सो ही से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा इज. वाई इज़ ही लाफ्ड एट बाय यू.
Okay, students, that's all for today. Note down your home task. Do practice of exercise 4.1 in the AR, chapter number 4. Take care of yourselves and Allah Hafiz.